अबे ओलू के पट्टे, क्या नाम है तेरा? तुकाराम। कितना कमाया? बोल बोल कितना कमाया? 40। चल भी ढिला कर, चल चल ढिला कर। रख, हट। अबे ओ गटर के ढक्कन, क्या नाम है तेरा? ढोलू। कितना कमाया? 60। तेज ढिला कर, चल चल ढिला कर। जा, बुड्ढे, तेरा नाम क्या है बुड्ढे बकरे? कर्म। तेरे कर्म फूट गए। कितना कमाया? आज कोई कमाई नहीं हुई। साला, पालू तगड़ा से झूठ बोलता है। बस यही काम तो नहीं आता, वरना आज मैं कुरी नहीं होता। अच्छा, तो किसी स्टेट का गवर्नर होता? हाँ सुना? अबे सुन सुरते बकरा, अगर तू कमा नहीं सकता तो इस बस के अड्डे से अपना मुंह काला करके निकल जा। चल जा। पालू तगड़ा, एक बुजुर्ग की इज्जत करना सीखो। कुत्ते के बच्चे, मुझे तुम्हें सिखाता है, अपने बाप को तुम्हें सिखाता है? हाँ। इंस्पेक्टर सिंघानिया, तुम्हारा हिस्सा। क्या बात है भाया बाल तगड़ा, दिन ब दिन थारो लिफाफो हल्को हो तो जा रहे हो है। अरे मजबूरी है इंस्पेक्टर साहब, आजकल लोगों की जेबें भी बड़ी हल्की हो गई है। वैसे तेल तिलों से ही निकलता है ना। अरे अपन पूछेगा उसने क्यों मारा, पूछेगा। अरे ये मुजरिम तो पहले से इधर मौजूद है। हाँ फ्लोरा आंटी। कौन मुजरिम और थे कौन हो? अपन फ्लोरा है साहब। इस बदमाश बालू तगड़े ने ना इस बेचारे हनीफ कुली को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है साहब। आप इसका अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखो साहब। हाँ हाँ साहब। क्या कह रही है तू? लेकिन बालू ने तो बस अड्डे के सारे कुलियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। क्या रहे कि उन्होंने इसे बुरी तरह मारा है? के बालू देखिए कितना मारा है मुझे, देखिए। बालू तगड़े ने तो कई गवाहों के नाम भी लिखवाए हैं। सब झूठ बोलता है साहब, सब बोगस बोलता है ये। आप हनीफ कुली की तरफ से इस बालू के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए ना। ये तो ऐसे हुक्म देवे है जैसे कमिश्नर और पुलिस होवे। जा, तेरी रिपोर्ट नहीं लिखता। के करेगी तू, के करेगी तू? गेट आउट। लेकिन सर, मैंने बालू तगड़ा के बारे में इंक्वायरी कर लिया है। ये बस अड्डे के कुलियों से जबरन हफ्ता वसूल करता है और आज इसने बड़ी बेरहमी के साथ एक कुली को पीटा है। इंस्पेक्टर सलीम, ते अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। थारे को किसने कहा था इस केस के बारे में इंक्वायरी करने को? सॉरी सर, आपने मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मैं अपनी जमीर की आवाज सुनकर वहां चला गया था। जमीर है? जमीर तो सिर्फ एक पालतू बंदर का नाम होगा। आपके लिए होगा सर, मेरे लिए जमीर मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा गाइड है। चल अप। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान तूने इतना भी नहीं सीखो कि अपने सीनियर के साथ कैसी बात करनी चाहिए? हाँ सॉरी सर। और मैडम, ये लोग अभी भी ऐठे ही खड़े हो,
Get out from here. You don't have the manners to talk? Get out. Oye, kya dekh raha hai? Haan? Kya dekh raha hai? Rishwat khor bhikhari hai sala. Jaane de. Chalo, chalo. Chalo. He's gone mad. Duty karo. बैठो। थैंक यू और सब ठीक है ना? कौन है ये हलकट कबूतर? उस्ताद, ये वही कबूतर है जो आपके इलाके में गुटर घूम कर रहा था। अरे कहीं ये वही हलकट तो नहीं है जिसकी सुपारी हमें यूसुफ ढाबे वाले ने दी थी? हाँ उस्ताद, 100% यही है, सिद्धू। हाँ सिद्धू। कालू दादा, तुम मुझे इस कोड़े से मारोगे? 10,000 यूसुफ ढाबे वाले के और 5,000 मेरी फीस ही सटेली पर रख दे और फुटास हो जाए वहां से। हैं? यानी 15,000? मेरे पास तो 15 फूटी कोड़िया भी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो कोड़ा खाने के लिए तैयार हो जा। कालू रगड़ा के एरिया में छोल छाल करता है। अलकट, आइंदा से मेरे एरिया में किसी को टोपी पहनाई ना तो याद रखना। मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, अपने कान पकड़ता हूँ। मैं तुम्हारे एरिया में कभी झोलझाल नहीं करूंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। अरे ये अक्खा रामपुर का एरिया आप उनका है, सिर्फ पुराना बस स्टैंड छोड़कर। इसका मतलब है मैं बस स्टैंड के बाहर अपनी दुकान लगा सकता हूँ? दुकान? काहे की दुकान बे? हेरा फेरी की दुकान, जैसे आपकी दादागिरी की दुकान है। ठीक है, अच्छा ये बोल कि 15,000 रुपए कब तक चुकाएगा? बस मेरी दुकान की मुहूर्त हो जाए, सेल की पोजीशन देखने के बाद मैं आपको तारीख बता दूंगा। अब मैं जाऊं? अरे रोक हलकट और गौर से सुन, शेंडी लगाने वाले को ये कालू मारता कम है और रगड़ता ज्यादा है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ चल। ओ कठोर, थोड़ा ध्यान मेरी भी और। कब होगी सिद्धू की सिद्धि? सुबह से एक बकरा भी नहीं मिला, काश एक मुर्गा मिल जाता तो। अरे वाह रे वाह, कितना बड़ा शहर है। हे बहनिया जरा कनवा इधर ला। क्या बात है भैया? रामपुर शहर है, यहाँ के लोगों के बारे में कहावत मशहूर है कि रामपुरी बगल में छुरी, खाए सत्तू बताए पूरी। किसी को बताना नहीं कि हम झुमरी तलैया से आए हैं। तो क्या बताए भैया? बस यू बोल देना दनादन कि हम पटना के बाबू है, तू हमारी बहन लाजो है। और जॉन झुमरी तले ये बताए तो का नुकसान भाई? अरे लूट ले हमका देहाती समझ कर। हाँ अरे आया, थैंक गॉड। अरे बाप रे, ये मकान है का हिमालय का पहाड़? ए हीरो, क्या देख रहे हो? आ गया जो खून पीने। ओ बॉस, क्या देख रहे हो? हम का देखता हूँ का नहीं देखता हूँ, तुम पूछे वाला कौन? सादा लिबास में पुलिस वाला। सादा लिबास पुलिस वाला? हाँ श्रीमान, रामपुरी कानून की दफा 420 के तहत इस तरह ऊंची इमारतों को देखना कानूनन जुर्म है। जानते हो एक माला देखने का जुर्माना 20 रुपए है। तुम कौन सा माला देख रहे थे? हम पांचवा माला देख रहे थे। पांचवा माला? ठीक है, तो फटाफट 100 रुपए का दंड भरो। 100 रुपए का दंड? खैर कानून जब बनाया तो देना ही पड़ेगा। ई लो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी देखना है शौक से देखो, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। समझ गए? चलता हूं। वाह वाह वाह, 100 रुपया का नुकसान करा के पटना के बाबू हसत है। अरे हसत नहीं तो का,
कैसा चूना लगाया सिपाही को। अरे हम तो 20वां माला देख रहे थे, बताया 5वां माला, नहीं तो 400 रुपए का दंड भरे को ना पड़ी। अरे वाह भैया, 300 का पूरा फायदा किया हमने। तुम तो बड़े समझदार हो। अरे और नहीं तो का, चला। अरे ईका, लोटा तो एकदम खाली बा भैया। हम अभी लाते हैं। ए छोरी, जरा हमारी भूख तो मिटा दे। रोटी का भूख होती ससुर के नाती तो हम जरूर मिटाए दे, पर ये भूख तो मार की लागत है हमका, और ये भूख तो हमार शंकर भैया ही मिटा सकत है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा भैया? वो है हमारा भैया, नल से पानी भरत है। वो है तुम्हारा भैया? वो तो पहले से ही पानी भर रहा है। सुग्रीव महाराज, जरा जाइए, जाकर के शंकर भैया को बुला लाइए। क्या कहते हैं भाई लोग, इसके भाई से भी मिल ले? क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, चार चार। पहले ये बताओ, चारों का काम क्या है? हम चारों अर्थी उठाने के काम आते हैं। अरे भाई, ये अर्थी चिता की बात बाद में करें, पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने आज का अर्जुन फिल्म देखी कि ना? ए, हम लोग फिल्म नहीं देखते। तो चलो फिर आज देख लेंगे। ऐसी कौन सी खास बात है आज का अर्जुन में? खास बात तो ये है कि उस फिल्म में कुछ गुंडे लोग हीरो की बहनिया को छेड़ी। हीरो पागल हो गया, और पागल होकर ऐसी धुलाई की, ऐसी धुलाई की कि चारों को अपनी नानी याद आ गई। हाँ। माल का फाइटर है यार। अरे वाह भैया, क्या पेट भर के मारा है इन लोगों को। बहुत। और बहन भी। चल अब तनी खाना खाई ले। चल सुनो। अरे बाप रे, फिर जो का गया खून पीने। अरे भैया, खाना खाने के लिए भी दंड देना पड़ेगा का? नहीं यार, मैंने तो तुम्हारी बहादुरी देखकर तुम्हारा 100 रुपए वापस करने का फैसला कर लिया है। पहला सिपाही देखा कि पैसा लेकर पैसा वापस देना चाहता है। लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया। ये लो भैया। अरे वाह, तुम्हारा बंदर तो बड़ा अफलातून है। ए भैया, बंदर नहीं, सुग्रीव महाराज का हो। नमस्ते सुग्रीव महाराज, मेरा नाम सिद्धू है, तुम्हारा? शंकर, और ये हमारी बहनी अल्लाह जो। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं झुमड़ी तला। पटना से आए, हम पटना के बाबू हैं। अच्छा अच्छा, काम की तलाश में आए हो? अरे भैया, नौकरी ना ही करब तो बनिया का ब्याह कैसे करब? हमारी मौसी को ढूंढने आए रामपुर में। रामपुर में रहने का इंतजाम है तुम्हारा? अरे खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, वैसे भी हम लोग झुमरी तले पटना में खुले आसमान के नीचे रहते थे। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को खुले आसमान के नीचे रहने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ चलो।
अरे हम कोई गलती करब का? नहीं भैया, तुम तो बहुत समझदार हो। और का चला। प्लीज सिद्धू, इन्हें कहीं और ले जाओ तुम। प्लीज फ्लोरा आंटी, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? ये भाई बहन बड़े शरीफ और ईमानदार हैं। तेरे माफिक ईमानदार और शरीफ। बॉबी, यू कीप क्वाइट। मॉम। आंटी, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ। खुद की कोई गारंटी नहीं और दूसरों की गारंटी लेने चला है। फ्लोरा आंटी, आपको मदर मेरी की कसम। ओ गॉड सिद्धू, अपन तेरे को कितनी बार बोला कि मदर मेरी को बीच में नहीं लाने को। हाँ, आज तो अपन तेरा बात बिल्कुल नहीं मानेगा, बस नहीं मानेगा। हार्ड लग सिद्धू, आज तेरा मदर मेरी का ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। बाय द वे, तेरा कितना बड़ा बाकी है? छह महीने से तो भाड़ा दे नहीं सकता है डैड, और दो और एक तीन नए भरतों को ले आया। समझ गया, तेरी माँ इन्हें खोली देने से इनकार कर रही है। ठहरो, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? देखत नहीं, चाल की मालकिन मना करत है। ये सिर्फ मेरी दिल की मालकिन है, चाल का मालिक तो मैं हूँ, जॉन डिसूजा। हम पटना के बाबू शंकर बा उर्फ राजू, ये हमारी बहनिया लाजो। तुम दोनों यहीं रहोगे। व्हाट जॉन, अपन इधर कोई चैरिटी होम नहीं खोला है? हाँ। याद करो फ्लोरा, आज से 20 बरस पहले जब हमारे सर पे छत का साया नहीं था, मेरे बॉस बलवंत राय ने ये चाल हमें दी थी। हाँ। लेकिन आज हमें भी इन बेसारों का सहारा होना चाहिए ना? तुम ठीक बोलते हैं जॉन, अपन का क्या है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके। चलो तुम दोनों भाई बहन वो बाजू वाला कमरे में रहना। हाँ। अरे व्हाट अ बंदर, माय गॉड। बंदर कहीं से ये बुरा मानत है? हाँ? इन्हें सुग्रीव महाराज कहिए। वेलकम सुग्रीव महाराज। अच्छा चलो चलो चलो, बुरा नहीं मानना हो, बुरा नहीं मानना। ये रहा तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। अरे यंग मैन, तुमने ये जूते लाठी में क्यों बांध रखे हैं? पैरों में क्यों नहीं पहने? अरे मैडम जी, पाँव में पहनते तो घिस घिस के खराब ना हो जाते, फिर नए खरीदने पड़ते। ना पहनने का कितना फायदा भइल, 4 साल पहले जैसे खरीदे रहे वैसे ही आज भी नया चमाचम है। हाँ, क्यों ना जो? भैया तुम तो बहुत समझदार हो। बस करो। वो तो माना कि तुमने दमड़ी बचाई, लेकिन चमड़ी तो घिस गई ना। हाँ, अब ये बताओ, दमड़ी से ज्यादा कीमती चमड़ी होती है कि नहीं? ये बात तो ठीक है। हाँ, अब बताओ कौन ज्यादा समझदार है? चाची जी आप। हाँ। शंकर भैया तो एकदम बुद्धू है। नहीं मैडम। हाँ? जी आज आपने तो बड़ी नीक की सीख दी है। हाँ। आज से तो जूता मैं पाँव में ही पहनूंगा। थैंक्स अ लॉट आंटी, जो आपने इन्हें अपना किरायेदार बना लिया, मैं गारंटी लेता हूँ कि भाड़ा इनका टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। Okay. भाड़ा तो तब देगा जब धंधा या नौकरी करेगा। कुछ होना रहेगा तेरे पास? हम मेहनत मजूरी का कोई भी काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, तब तो शंकर तुम्हारे लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह गनी तो काहे की कमी ना, मैं हनीफ, भारी वजन उठा सकते हो? आप कहे तो आपको उठाकर पंखे जैसन घुमाकर बता दूं। अच्छा, अगर तुम मुझे उठा सकते हो तो मैं कल ही तुम्हें बस अड्डे पर कुली की नौकरी दिला सकता हूँ। ऐसन दिल देखो हमारा कमाल। हम कैसा लग रहे हैं नी भैया? गजब रे गजब। शंकर भैया तुम बड़े खुशकिस्मत हो, जानते हो तुम्हारे बिल्ले का नंबर क्या है? 786। फिल्म दीवार में हीरो के बिल्ले का नंबर भी 786 था ना? हाँ शंकर भैया, ये बहुत मुबारक नंबर है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से।
शंकर भैया बस आ गई है, तुम भी नया धंधा शुरू करो। अरे सुग्रीव महाराज, कूली की वर्दी में? लेकिन ये कूली की वर्दी आपके पास आई कहाँ से? ये तो हम सिल कर दिए हैं भैया। अच्छा ये बता, कूली बनकर हम कैसन लगत है? एकदम नीक। इला अपना खाने का डिब्बा और ये ले हमार पहली कमाई। अब हम जाई। लाल साहेब सुनो, कुली मजदूरी पहले तय कर लो, बाद में तुम लोग झंझट बहुत करते हो। अरे चिंता नहीं करो सेठ जी, हम कुली जरा दूसरे किस्म के बा, जो मर्जी दे देना। ओ सुखे महाराज ले लो भैया। आहिस्ते आहिस्ते संभाल के। आइए। अरे दे दे भैया, दे दे। अरे साहब साहब साहब, आपका बटुआ। शुक्रिया। अरे काका, ये सामान हम पहुंचा देता हूं। आइए भाई साहब आइए। हेलो काका, तुहार मजूरी। ये क्या बेटा, बोझा तुमने उठाया और मजूरी मुझे दे रहे हो? बुजुर्गन की दुआ से बढ़कर कोई मजूरी ना होत काका। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। मेरा रोम रोम तुम्हें दुआएं दे रहा है बेटा। पर काका, इस उम्र में तो तुम्हें घरे बैठकर आराम करना चाहिए। तुम्हारा कोई बेटा? भगवान ने एक भी बेटा नहीं दिया है, तीन लड़कियां वो भी जवान, घर वाली बीमार रहती है। बेटा अगर एक दिन भी मैं काम ना करूं ना तो घर का चूल्हा नहीं जलता है बेटा। आज से बेटा अब हमें समझ लो काका, जब भी भारी सामान उठाना पड़े तो हमको बुला लिया करो। गड़बड़ कैसा? अरे बालू तगड़ा आ गया शंकर भैया। बालू तगड़ा? हाँ। बड़ा बड़ा अफसर बा? अरे अफसर नहीं, इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है। हफ्ते में एक दिन आता है और हम लोग की आधी पगार छीन लेता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये हफ्ता लेट? हाँ। अरे ये तो हम कई बार हिंदी फिल्म में देख चुके हैं। वो देखिए सारे कुली लग गए लाइन में उसको हफ्ता देने के लिए। चलो आप भी चलो उसको हफ्ता देने के वास्ते। हम भी आ गया हूँ। शंकर भैया आज की कमाई का आधा हिस्सा चुपचाप इस बालू तगड़ा को दे देना। बेटा पिछले हफ्ते हनीवीर से बहस करने लगा तो उसने इस बेचारे को बहुत मारा। आज हम मारूंगा ससुर के नाती को। शंकर भैया तुमने कुछ कहा? हम ये कह रहे थे कि हम अपनी आधी कमाई इस बालू तगड़ा को दे ही देंगे। अरे आज तो एक नया पंछी आया है। रोबे चिकने, तेरा नाम क्या है? गरीबों का दोस्त, मजलूमों की जान, कर्तव्य से हिंदू, ईमान से मुसलमान। लोग कहते राजू, फिर भी शंकर है हमारा नाम।
ये नाम में कहाँ रखा है टगलू भैया? हम तो तुम्हें काम दिखाऊंगा काम। क्या बोला रे तू? मेरे को तू टकलू बोला क्या? अबे ओ छचुंदर के बाल, खींच खींच कर निकालूंगा तेरी खाल। पहले इससे हफ्ता तो ले लो, बाद में इसकी खाल उधेड़ देंगे। ठीक बोलता है तू। चल बे चिकने, आज की आधी कमाई निकाल। चल ए टकलू भैया, आपने खून पसीना फिल्म तो देखी होगी? हाँ देखी थी बेटा, मैं हर फिल्म पहले दिन पहले शो में ब्रेक वालों से फोकट में टिकी लेकर देखता हूँ। तो फिर इस फिल्म के पहले दिन का पहला शो भी देखा होगा, आपको तो याद होगा हफ्ता मांगने पर हीरो ने गुंडों से कहा बोला? हाँ बताता हूँ, हीरो ने बोला था हफ्ता बाहर नहीं अंदर दूंगा अंदर। आपकी याददाश्त बहुत नीक है बचुआ, तो यूँ समझ लो कि खून पसीने के हीरो की रूह हमारे शरीर में आ गई है और हम तो का उस बस में हफ्ता देंगे। है? आ जाओ चले जा, हफ्ता लेने जा। अब भैया मारत मारत थक गए। अरे भैया, अरे इधर आओ, तनिक प्रसाद इनको भी दे दो और अपनी पूंजी उठाई लो। चंगे भैया, तुमने इसे मारने में अपना सिर्फ बायां हाथ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि इसका वजन ये उठा नहीं सकेंगे। दिल है बड़ा आदमी मामूली, दिल है बड़ा आदमी मामूली, राजू कुली मैं हूँ, राजू कुली, राजू कुली मैं हूँ, राजू कुली। बदन पे धुली, सिर पे पसीना, बदन पे धुली, राजू धुली मैं हूँ, राजू धुली, राजू धुली मैं हूँ, राजू धुली। ईमान की रोटी खाता हूँ मैं, पसीने से पैसा
अरे नमस्ते सर। वो जेम्स बॉन्ड का पोता जिसने बालू तगड़े पर हाथ उठाया वो कटे है? अभी तो यहीं पे गाना गा रहा था। अरे मुझे मार के गाना गा रहा था? हाँ, जा उसे बुला ला, मैं उसे गाना गवाता हूँ। जा ढूंढता हूँ मैं अभी। जा, मैं भी गाऊंगा गाना। अनी भाई शंकर भैया, पुलिस का दरोगा आया है बालू तगड़ा और कालू रगड़ा के साथ। तुम उनका मुकाबला करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। फिकर मत कर, मैं उसे रगड़ दूंगा। लगता है साहब शंकर कुली पुलिस के डर से भाग गया। बालू तगड़ा ये तो हमारा गाना गाने से रह गया। अरे हमसे बचकर जाएगा कहां। चल चलो भाई चलो। बात कुछ समझ में नहीं आई सिंघानिया। पहले तो उस नए कूली ने सूरमा बनकर मेरे भाई बालू तगड़े को नॉकआउट कर दिया, और जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वहां से फुटास हो गया। बात यो है कालू रगड़ा, पुलिस को देखकर बड़े बड़े मुजरिमों की सारी हेकड़ी निकल जावे, तो यो तो एक मामूली कूली है, है? पुलिस को आते देखा तो डर कर भाग गया अपना बस स्टैंड छोड़कर। अरे गजब रे गजब। अरे बस के अड्डे से नहीं भागता तो फिल्म दीवार का सीन यहाँ कैसन बनाता। अबे ओ, मेरा नाम कालू रगड़ा है, मारता कम हूं रगड़ता ज्यादा हूं। कौन सा दीवार का सीन बे? वही जिसमें हीरो गुंडों के गोदाम में घुसकर उन लोगों की पिटाई करता है। फर्क सिर्फ इतना है, जब वहां हीरो ने ताला लगाकर दरवाजा बंद कर दिया होता और यहाँ हम दरवाजा खुला रखूंगा ताकि जो बच जाए वो भाग जाए और जो रह जाए उसके वास्ते जिंदगी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। मारे को लगता है भाई रगड़ा कि इस कुली पर फिल्म रोबोट सवार है। देखना भाया, थारे भाया को यो फिल्म खून पसीना दिखा दी और मारे को दीवार दिखा रहे है। क्यों ना मैं इसे घायल फिल्म दिखा दू जिसमें पुलिस वाले ने हीरो को मार मार कर चपटो बना दियो। रे ख्याल से ये सीन इंटरवल के पहले का है।
दरविल के बाद का सीन शायद तू भूल गया, जिसमें हीरो इंस्पेक्टर को सड़क पर कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा था, याद आ गया? यू हलकट, ए, यू चौखट, तू तू। अच्छा तू आए 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 आ जा लग गया आई 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 बैठो बैठो बैठो। अरे तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कालू रगड़ा। आज से क्या कहोगे? कालू रगड़ा, कालू रगड़ा, कालू रगड़ा। अरे दरोगा का नाम क्या है? अर्जुन सिंघानिया। आज से इसे क्या कहोगे? अर्जुन कानिया, अर्जुन कानिया, अर्जुन कानिया। जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, ज्यादा खून बह गया तो दोनों का राम नाम सत हो जाएगा। ही चलो साहब, संभाल के, मैं तो मारूंगा कम, रोकूंगा ज्यादा। ये सब कहा है? शंकर भैया, मैंने फ्लोरा आंटी को सब कुछ बता दिया है। हाँ, ये लो मुंह मीठा करो जल्दी। बालू तगड़ा का भाई कालू रगड़ा इस इलाके का खतरनाक दादा है। शंकर, तुम उससे होशियार रहना। हाँ। चाचा, मैंने बालू तगड़ा की एक टांग तोड़ कर उसे लंगड़ा बना दिया है। रियली? और उस दारोगा संघानिया है ना, उसकी एक आंख फोड़ कर उसे कणिया बना दिया। तुम तो बहुत समझदार हो भैया। और नहीं तो का। अरे क्या रे बुड्ढे, बदन में जोर नहीं और चलाए खुली गिर करने, घर में बैठ के राम राम क्यों नहीं करता? माफ कीजिएगा सेठ जी, मैं अभी उठा देता हूँ। माफ करना सेठ, माफ करना, मैं भी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। चल वर्दी उतार, चल। चंपकलाल जी, मुझ पे दया करो चंपकलाल जी। उतार, अगर तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे बीवी बच्चे भूख के मर जाएंगे चंपकलाल जी। अरे मैंने कहा उतार, तो आप गलती नहीं होगी चंपकलाल जी। चंपकलाल बूढ़े पर हाथ उठाता है। छोड़ मेरा हाथ, वरना तेरी वर्दी और बिल्ला उतरवा दूंगा, फिर भूल जाएगा सारी ये दादागिरी। छोड़ दिया, अब हमरी और करमू चाचा की ये वर्दी और ये बिल्ला उतारवा के दिखा। सलाम मार मार कर तोहर चेहरा ऐसा चपटा करूंगा कि तोहरे घर वाले पहचान ना सका, आप समझा? मुझको बोल देता है, मैं अभी जाकर सेठ जी से तेरी शिकायत करूंगा, वो एक मिनट में तेरी छुट्टी कर देंगे। हम भी जाऊंगा तेरे सेठ के पास और बताऊंगा कि तू बालू तगड़ा से घूस लेकर गरीब कुलियों की जेब पर डाके डालता है। मेरे भोले शंकर, बालू तगड़ा भी तो सेठ जी का ही आदमी है ना, लग गया ना झटका। अरे तू सेठ जी को नहीं जानता, अपने सेठ जी है ना, यहाँ पर कुलियों को नौकरी देते हैं और उनके गुंडे यहाँ पे आके अपने कुलियों से हफ्ता वसूली करते हैं, और ये कर्मू तो बुड्ढा हो गया है,
इससे बोझ उठाया नहीं जाता तो सेठ जी इसका बोझ काहे को उठाएंगे। और सेठ जी का हुक्म है कि हर एक बुड्ढे कूली को नौकरी से हटा दिया जाए। हम ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हमको अपने सेठ प्यारे मोहन के पास ले चलो। वेलकम दंकेश्वर उर्फ प्यारे मोहन जी, वेलकम। दोस्तों, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप में बनाएंगे। इसमें एक 5-star होटल, शॉपिंग प्लाजा, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और एक स्विमिंग पूल होगा। क्या आप लोग इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं? पर प्यारे मोहन जी, मन्ने तो सुनिया थारी उस जमीन पे बहुत बड़ी झोपड़पट्टी बसी हुई है और निचले तबके का बहुत लोग बहुत सालों से रह रहे हैं वहाँ। ओ करेक्ट जी, करेक्ट चुरसिया सेठ, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है। ओ भाई, प्यारे मोहन जी के चाचा जी बलवंत राय जी थे, उन्होंने आज से 20 साल पहले इस जमीन को अपने ड्राइवर जॉन को रहने के लिए दिया था और उस जॉन ने तो इस जमीन पर बहुत सारे किराएदार बसा दिए। देखिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे चाचा बलवंत राय अमेरिका के टूर से वापस आते हैं, मैं उन कीड़े मकड़ों को जमीन से हटाकर वो जमीन खाली करवा लूंगा। क्या आप लोगों को अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है? करेक्ट जी। हाँ जी, है जी, है जी, पूरा भरोसा है जी। हो गया जी, मैंने थारी बात का पूरा विश्वास हो गयो। लियो जी थारा एडवांस। ओ मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक है जी, उनते कॉम्प्लेक्स बानी जाना है। सेठ जी, सेठ जी, ये शंकर कुली है, इस कर्म को मैंने नौकरी से निकाल दिया ना, तो ये बात इसे पसंद नहीं आई, इसलिए आपसे मिलने आया है। चंपकलाल, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तू ऐसे अहरे गहरे लोगों को वक्त दे वक्त मेरे पास लेकर आए। आज से गेट आउट। वारे वाह, बहुत पैसा आ गया सेठ, तो धरती पर पांव नहीं रख सका तो। हम कालतू पलतू मत समझो, वरना फिल्म कूली का सीन दिखा दूंगा। फिल्म कूली वाला सीन? वो क्या था? कीमती सामान से भरे तोरे इस कमरे को भंगार का गोदाम बना दूंगा। कहो तो थोड़ा सा टीलर दिखा दूं। सरप्राइजिंग, बहुत जोशीले नौजवान हो, तुम्हारा स्टाइल हमें बहुत पसंद आया। चंपकलाल, इस बूढ़े कुली को नौकरी से कभी मत निकालना, क्योंकि हम शंकर को नाराज नहीं करना चाहते। क्यों शंकर, अब तो कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, अब तो बड़े भले माना सा। अच्छा, हम चलता हूं। जय राम जी की। प्यारे मोहन जी, आपने तो हमारे दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए। जब कोई बच्चा पहली बार जलती हुई लालटेन को छूने की जिद करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जलती हुई लालटेन की शीशे को छूने से उसका हाथ जलेगा, तभी बात उसकी समझ में आएगी कि किसी भी चमकने वाली और रोशन चीज को सोच समझकर हाथ लगाना चाहिए। सेठ जी ने एकदम ठीक कहा है, वो शंकर से बाद में निपटेंगे, पहले इंद्रलोक की इस प्यारी प्यारी अप्सरा के साथ मजा करेंगे। रूपचंद तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। थोड़ा नहीं, पूरा आराम कीजिएगा प्यारे मोहन जी। बेटा शंकर, ये हमारी बहुत पुरानी सहेली है बेटा शंकर। लेकिन माई, ये फोटो तू हमका क्यों दे रही है? जब हमारा आंख बंद हो जाए बेटवा, तो तुम लाजो को लेके रामपुर चले जाना और सुमित्रा मौसी के खोजना माई। और बेटा, तू वचन दे हमका कि तू लाजो के हाथ पीले करेगा और सुमित्रा की बेटी पिंकी से ब्याह करेगा बेटा, वचन दे बेटा। पर माई, हम एक अनपढ़ गवार, सुमित्रा मौसी हमार संग अपन बेटी का ब्याह? वो तेरे संग ही ब्याह करेगी बिटवा, क्योंकि बचपन में
सुमित्रा मौसी ने ही तेरी सगाई कराई थी बेटा, और सुमित्रा मौसी बहुत अच्छी औरत है बेटा, लेकिन जितनी अच्छी औरत सुमित्रा मौसी है उसका पति वीरेंद्र सिंह बहुत खराब आदमी है बेटा। बेटा हमें बर्बाद करने वाला ये वीरेंद्र सिंह ही था बेटा। पहले वो तेरे बाबूजी का नौकर था बेटा, धीरे धीरे धोखे से उसने सब कारोबार अपने कब्जे में कर लिया बेटा। तुम्हारे पिता ये सदमा ना सह सके बेटा और मर गए। हम समझ गए भाई, इसीलिए तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी और तू हम दो भाई बहन को पढ़ा भी ना सकी। हाँ बचवा, हम माँ हो के तुम दोनों को कौनो सुख नहीं दे सके बचवा। बचन दे बेटा, बचन दे, बचन दे बेटा, तू पिंकी से ही ब्याह करेगा, बचन दे बेटा। मैं वचन देता हूँ माई, वचन देता हूँ माई, 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 अब इतनी बड़ी रामपुर शहर माँ हम तो के कहां खोजे सुमित्रा मौसी। ए चलना अभी आ रहा है गाइस। अड्डा ए हां साहब, सामान है साहब, सामान खुली साहब, सब 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 खुली है, सब खुली है आपको, सब खुली। नहीं साहब आपका सामान उठाओ, नहीं साहब मैं उठाता हूं ना, मैं उठाता हूं ना, नहीं साहब मैं सामान मैं उठाऊंगा। अरे कैसे बात करते हो तुम, नहीं नहीं ये सामान मैं उठाऊंगा। अरे हाँ तो किसी चीज़ की अरे कैसी बात कर रहे हो पिंकी, कुछ ब्रश, एक अनार और 100 बीमार मैं उठाऊंगा। किससे सामान उठवाए? ए कुली इधर आओ, सुनते नहीं बहरे हो क्या, इधर आओ। क्यों महाराज, ये गोरखी पत्थर की मेम साहब शायद हमको बुलावा थे। हम बहरे नहीं हैं, लेकिन इतनी जोर से चिल्लाओ गई तो बहरे जरूर हो जाएंगे। शट अप। गजब रे गजब, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। तुम ये धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आपके कान बजे होंगे। शट अप। जल्दी से हमारा सामान उठाओ और हमें गाड़ी तक छोड़ो। अरे बाप रे, अंग्रेजी माँ क्या हुआ शंकर भैया? तनिक पढ़ दो भैया। ये पता तो मुझे मालूम है। चला चलो। डैड डैड, वेलकम माय स्वीट डैड, वेलकम। भाई वाह, मेरी पुत्र कितनी बड़ी हो गई है, कितनी स्मार्ट हो गई है, इसको किसी की नजर ना लगे। अच्छा पुत्र ये बता, तेरा सफर कैसा गुजरा? हमने बहुत एंजॉय किया डैड। अच्छा तो अकेली आई, तेरी वो फ्रेंड नहीं आई? आई है ना। अच्छा पुत्र एक गाल सुन, मैंने पेरिस से बॉडी स्प्रे मंगवाया है, ये देख। कैसा लगा? वाओ एक्सीलेंट, मेरे डैडी तो दुनिया का सबसे अच्छा बॉडी स्प्रे यूज करते हैं। रियली? वाह पिंकी पुत्र वाह, थैंक यू। ए कुली यहाँ क्या कर रहे हो? ये फोटो मेरी स्वर्गवासी धर्मपत्नी सुमित्रा। स्वर्गवासी? हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, इरादा क्या है तुम्हारा? चंदा वंदा मांगने तो नहीं आयो ना?
तुम पैसे वालों को हर गरीब चोर नजर आते हैं। हम तुमसे कुछ मांगने नहीं देने आए हैं। ये लो तुहार बैग जान तुम बस के अड्डे में छोड़ आई थी। My foot. Wow, wow. ए कुली, ये लो तुम्हारी बख्शीश। हमें बख्शीश नहीं, बख्शीश देने वाली चाहिए। ओए कुली, की खुसर बुसर कर रहे है? अब क्या बताए साहब, अपन की एक बात बहुत बुरी है, अपने आप से बात करे की। ओए मगर ये आदत तो पागलों में होती है। का हम तुमको पागल दिखाई देता हूँ? ओए कुली सुन, जरा दूर दूर से बात कर, बड़ी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से। हम चाहूं तो पागलपन का थोड़ा सा नमूना भी दिखा सकता हूं, पर रिश्ते का मान तो रखना ही पड़ेगा। ओए रिश्ते का मान? ओ वरिंदर सिंह, कुछ गल समझ नहीं आई? एक केड़े रिश्ते की गल करके चला गया है, और कुली नाल साड़ा की रिश्ता हो सकता है? सच भैया, सुमित्रा मौसी का पता चल गया? हाँ लाजो, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अब जीवित नहीं है। पिंकी से मुलाकात हुई? मुलाकात तो हुई, लेकिन उसे हमरे बारे में कुछ नहीं बताया। काहे? कम से कम सगाई की बात तो कह दिए होते। अरे बोल देंगे, इतनी जल्दी कहा है? तुम्हें जल्दी नहीं है तो कहा हुआ, हम बहनों को तो भौजी लाने की जल्दी होती है। अभी हम जाते सुग्रीव महाराज को लेके माता जी के मंदिर में। मंदिर काहे? अरे भैया, हम एक तो मन्नत मांगे थे कि जिस दिन सुमित्रा मौसी और पिंकी का पता चल जाए, हम माता जी के चरणों में जाकर नारियल फोड़ब। मंदिर? मैं भी मंदिर जाऊंगा। चल सन्यासी मंदिर में। यार सिद्धू, आज तो लाजो को पटाने के लिए फॉर्मूला नंबर 44 का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे सिद्धू, फांसी काहे लगा रहे हो? मुझे फांसी लगा के मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ एक नहीं बल्कि तीन तीन लड़कियों ने बेवफाई की। देखो देखो, सुग्रीव महाराज बड़े समझदार हैं। अरे सिद्धू, ये तो फिल्म की हीरोइन लगती है, इनकी क्या वफा और क्या बेवफाई। अरे बापरे, मारे गए, ये तो इन सबको पहचानती है। कुछ नया फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। हाँ लाजो, ये फिल्म की हीरोइन नहीं है, उनकी हमशक्ल है। अच्छा, नहीं नहीं, चाल चल के हमका पटाने की कोशिश कर रहा है। अरे सिद्धू, तुम इन लड़कियों के पीछे क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? इन्हें ही फांसी लगाकर मर जाना चाहिए। हाँ हाँ सही कहा। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आओ मेरी लाजो, मैं आ रहा हूँ। इन तीनों ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो हम तुम्हारा दिल जोड़ देंगे। बलम? बलम? तुमने मुझे बलम कहा, मगर कैसे जोड़ोगी? स्टिक्फा से, सेलो टेप से, फेविकॉल से, रस्सी से, बोलो बोलो। दिल जोड़ने वाले मरहम से। कुछ सुष्मिता में कुछ, करिश्मा में कुछ, ऐश्वर्या में कुछ, ममता में कुछ, सुष्मिता में कुछ, करिश्मा में कुछ, ऐश्वर्या में कुछ, तेरे अंदर है सब कुछ, तुम्हें देख के कुछ कुछ होता है, तू मेरी चाहत।
बात की मैं ना सनम, दिल मेरा मतवाला तोड़ता है। हाँ, तू मेरी चाहत की मैं ना सनम, दिल मेरा मतवाला तोड़ता है। अक्षय में कुछ और, अजय में कुछ, सनी में कुछ और, संजय में कुछ। अक्षय में कुछ और, अजय में कुछ, सनी में कुछ और, संजय में कुछ। तेरे अंदर है सब कुछ, तुम्हें देख के कुछ कुछ होता है। शिल्पा में कुछ, माधुरी में कुछ और महिमा में कुछ। पूजा में कुछ और शिल्पा में कुछ, माधुरी में कुछ और महिमा में कुछ। तेरे अंदर है सब कुछ, तुम्हें देख के कुछ कुछ होता है। तू मेरी चाहत की मैं ना सनम, दिल मेरा मतवाला तोता है। अरे तू मेरी चाहत की मैं ना सनम, दिल मेरा मतवाला तोता है। मेरे दिल में है तेरा ठिकाना, मैंने तुमको सजन अपना माना। इधर है। छी 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 छी। अरे सुग्रीव महाराज, हमारी बहनिया को बता दो कि उसका भाई आया है। शंकर भैया, भैया सिद्धू अंदर से बहुत दुखी है। एक नहीं, तीन तीन छोकरियों ने प्यार में धोखा दिया है। गजब रे गजब, तीन तीन छोकरियों से प्यार किया तो मतलब बड़ी जल्दी जल्दी पटरी बदलता है। जो नई लड़की देखी तो फिसल गया है। एक साथ नहीं, बारी बारी से प्यार किया। पहली ने धोखा दिया तो दूसरी से प्यार किया, फिर दूसरी ने बेवफाई की तो तीसरी से प्यार किया, और फिर तीसरी भी मुझे छोड़ के चली गई तो चौथी फांस ली। है? जरा हमको भी बताओ वो तीनों लड़कियाँ कौन थी। हम बतावत हैं, लाओ। नहीं नहीं, दिखाने की क्या जरूरत है। अरे शंकर भैया को देखन दो ना। लो, अरे
तीनों छोकरियों ने तुमको प्यार में धोखा दिया। तीन तीन बार दिल टूटने से सिद्धू का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और तू इन टुकड़न को जोड़ रही थी। जोड़ती नहीं तो क्या करती, फांसी लगाने जा रहा था सिद्धू। हाँ, यार सिद्धू तू तो बड़ा ऊंचा खिलाड़ी बा, तीन तीन हीरोइन के फोटो दिखाई के हमारी बहनिया को शीशे में उतार लिया। मुझे माफ कर दो शंकर भैया। यू शट अप अंग्रेजी। अरे चौंको नहीं, आजकल हम भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये देखो, इस रेलगाड़ी का मालिक हम हैं। पटरी बदलने की कोशिश नहीं करना, पहले अपने हाथों से कमाई करना सीखो, फिर हम दोनों का ब्याह करा देंगे। हाँ जी शंकर भैया, चलता हूँ। भैया तुम तो बहुत समझदार हो। और नहीं तो कहा, चला। सच जगह, मेरा चाचा अमेरिका टूर से वापस आ गया। यस बॉस, और आते ही मुझसे आपके बारे में पूछा। इसका मतलब वो बुढ़ा मेरी परेड लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मिस्टर प्यारे मोहन, आज आप किसी भी तरह अपने चाचा से वो जमीन अपने नाम करवा ही लीजिए। अरे उस बुढ़े घुसेट से अपनी बात को मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। प्यारे मोहन। अंकल, अंकल नमस्ते। अंकल आप मुझसे सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन वो बस्ती वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए, ताकि जिंदगी भर मैं चटनी रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा करो। मैं तुम्हारा यह सब नाटक जानता हूं। मुझे तो अमेरिका में ही तुम्हारे काले कारनामों का पता चल चुका था। मैं अभी अपने वकील के पास जा रहा हूं एक नया वसीयतनामा बनाने, जिससे तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, और खास और वो जमीन जिसके लिए तुम्हारे मुंह से राल टपकती है, वही जमीन में जान के नाम रजिस्टर करा रहा हूं, ताकि तुम चैन से सो सको, ये परेशानियां तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझे? चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी याद में रोने के लिए सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। बदमारी की कसम शंकर, हमारा जॉन एकदम जेंटलमैन होता, एकदम जेंटलमैन, और उसने अपन को जिंदगी में मरना तो छोड़ो कभी डांटा तक नहीं अपन को। अपन अपने जॉन को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। हमारी माँ दुख सहते सहते मर गई, अब तुम ही हमारी माँ हो। तुम ऐसा रोती रहोगी तो हम बच्चे खुद को अनाथ समझेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग अपने आप को अनाथ मत समझो। अरे हम इस जगह को ना बहुत अच्छे से बनाएगा, अच्छे से बसाएगा इसको। अरे यही तो हमारा हमारे जॉन का ड्रीम था। हाँ, हाँ, हाँ। अरे सीरियस प्रॉब्लम फ्लोरा आंटी, बस्ती के मालिक बलवंत राय का भतीजा प्यारे मोहन बहुत से आदमियों को लेकर आए, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। घबराओ नहीं, हम देखता हूँ। मैं बलवंत राय का भतीजा प्यारे मोहन हूँ, उनकी मौत के बाद इस जमीन का मालिक बन गया हूँ, जिस जमीन पर तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह बसे हुए हो। मैं तुम लोगों से ये कहने आया हूँ कि जल्द से जल्द ये जमीन खाली करके कहीं और चले जाओ। पन अपुन लोग जाने का किधर को? ओ जी फ्लोरा जी,
और तिलकपुर की छोटी पहाड़ी पर जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, हम तुम सबको बसा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम जान सकता हूँ डंकेश्वर जी, आपको ये बस्ती खाली कराने की काहे इतनी जल्दी पड़ गई कि अपने चाचा की 13वीं तक का भी इंतजार ना कर सके? 13 जैसे एक दो टके के कुली को मैं इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दूं। मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, इसलिए बता देता हूं कि जमीन पर मैं बहुत बड़ा होटल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता हूं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है जानते हो? अंग्रेजी आती है तुम्हें? I know better English than you. Do you understand? कमाल है, हमने तो सुना था कि अंगूठा छाप है ये हलकट। चुप है चौखट। अरे इतनी अंग्रेजी तो आजकल छोटे छोटे स्कूल के बच्चे तक बोल लेते हैं। हाँ तो हम तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ। कहे ना तुम अपना ये होटल और कॉम्प्लेक्स तिलकपुरी के पहाड़ी पर बनवा लेते और हमें यहाँ चैन से जीने देते। ओ भाई जिद मत कर यार। ओ भाई अगर तुम सब इस बस्ती को खाली कर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा रुपया देंगे ताकि हर आदमी अपना मकान बनवा सके। ये जमीन खाली करवाने के लिए तुमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कब तक? बस यही, अगले जन्म तक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम लोगों से यह बस्ती हर कीमत पर खाली करवा लूंगा, चाहे वो कीमत तुम्हारी जिंदगी क्यों ना हो। चलो। हम भी देखता हूं ससुर के नाती, तुम शंकर के रहते हुए ये बस्ती कैसन खाली करवाते हो। बाबूजी अगरबत्ती ले लो। ना चाहिए। बाबूजी सिर्फ 2 रुपए का पैकेट है। अरे बोला ना, ना चाहिए। बाबूजी मुझसे अगरबत्ती खरीदोगे तो तुम्हारा पिंकी से ब्याह हो जाएगा। हाँ सच कहता हूँ, अगरबत्ती की कसम। अरे सिद्धू तुम तो अगरबत्ती बेच रहे हो। हाँ शंकर भैया, आप ही ने तो कहा था कि मेहनत से रोटी कमाओ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अरे हमको इतना अच्छा लगा कि हम एक नहीं भाई, हम तो 5 खरीदेंगे। ये लो। आए। 2 पैकेट मुझे भी दे दीजिए। अरे हनीफ भाई लीजिए ना, चंपा और जैस्मीन। हनीफ भाई अगरबत्ती की जरूरत है इसलिए खरीद रहे हो या सिर्फ मेरी मदद करना चाहते हो? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धू भाई। मैं हर जुमे रात को मतलूब शाह बाबा की दरगाह पर जाता हूँ, वहाँ अगरबत्ती जलाता हूँ और चादर चढ़ाता हूँ। और आज जुमे रात। ए, ए, हनीफ भाई मेरे नाम पर एक चादर और अगरबत्ती चढ़ा देना। शंकर भैया ये घर की बात है, मैं चढ़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं, हम उधार की चादर नहीं चढ़ाते। ही लो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ? क्या बात है शंकर, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। मुझसे? कहो ना। किसी के सामने नहीं कह सकता, जरा इधर आइए ना। आप पिंकी तू घर जा, मैं इसके बात सुनकर वापस आती हूँ। तू गाड़ी से नहीं उतरेगी, इसे जो कहना यहाँ कहेगा यार। अरे ऐसा कैसा कह दू, ये प्राइवेट बात है। प्लीज शंकर कह डालो ना। हमने आपके ऊपर एक कविता लिखा है, सुनाओ। कविता? हाँ सुनाओ ना। गजब रे गजब तेरा रूप बेमिसाल है, जब से तुझे देखा गोरी बुरा मेरा हाल है। ओए गोर की पतर की हिरनी जैसी तेरी चाल है, गजब रे गजब तेरी उम्र 16 साल है। कैसा है? बहुत अच्छी है। अगर अच्छा लगा है तो चलिए ना किसी होटल में नाश्ता पानी करेंगे। पिंकी तू चल, मैं बाद में आती हूँ। मैं तुझे स्कूली के साथ जाने की इजाजत नहीं देती हूँ। मुझे तेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? और हाँ ये मेरा पर्सनल मामला है। शट अप। यू शट अप। आ?
अंजलि मैम साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहिए ना। वो कविता हमने पिंकी मैम साहब के लिए लिखा था, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। यू इडियट, फिर तुमने मेरे साथ प्यार की बातें क्यों की? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। एक मिनट मैम साहब, एक मिनट, पहले हमारी स्टोरी सुन लो, उसके बाद जो जी मैं कर लेना। माय गुडनेस शंकर, तुम्हारी सगाई बचपन में ही पिंकी के साथ हो गई थी, और उसके पापा ने तुम्हारे खानदान के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। अब जो होगा वह सो होगा वह, अब बस मरती माँ को हम जो वचन दिए रहे उसको पूरा करना है। तुम फिक्र मत करो शंकर, तुम्हारी शादी जरूर होगी पिंकी के साथ, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जरूर दूल्हा बनोगे, और वो दुल्हन। गजब रे गजब। ए शंकर। अरे सटाप मैम साहब, कैसे हो शंकर? ठीक हो। ये फूल तुम्हारे लिए लाई हूँ। काहे? तुम्हें नहीं पता एक लड़की एक लड़के को फूल कब देती है? मतलब आप हमका? आप? हाँ शंकर, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। गजब रे गजब। तुम भी मुझे पसंद करते हो ना शंकर? पसंद तो आपको बहुत करता हूँ, लेकिन प्यार मैं अंजलि मैम साहब से करता हूँ। क्या तुम अंजलि से प्यार करते हो? वो भी हमको बहुत चाहती है। वो भूतनी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या? देखो मैम साहब, हम शक्ल नहीं देखते, अंजलि की आत्मा बड़ी सुंदर है। शट अप! अरे आप गुस्सा क्यों करती हैं? जबरदस्ती है, हम जिसको चाहे प्यार करें। ऑल राइट, मैं अभी इसी वक्त इस बस के ऊपर से कूद जाती हूँ। अरे रे रे रे, आप क्या कर रही हैं? जाओ, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हम रोक सकता हूँ। पत्थर की रे घर की पत्थर की रे लच के कमरिया चेहरा पागल हो जाए, छोड़ी पत्थर की रे सर के चुनरिया चेहरा घायल हो जाए। कालम रंगी शहरिया तेरे होते सजना हो, तेरे होते
हमारी झोपड़िया महलों से मानूंगी महलों से मानूंगी मैंने लिया है तुझको दिल में बसा गोरखी पत्थर की रे लटके कमरिया जियरा पागल हो जाए कलम रंगीला दे चढ़ती जवानी मुझसे डोकी न जाए छोड़ी पत्थर की रे सर के चुनरिया जियरा घायल हो जाए सुअर का बच्चा कमीना किसे गाली दे रही हो बेटी इस आदमी पुरुषोत्तम को गाली दे रही हूँ जिसकी खबर अखबार में छपी है क्या छपा है इसे पुलिस ने लड़कियों की दलाली करते हुए पकड़ा है लड़कियों की दलाली हाँ जबकि खुद इसकी एक जवान बेटी थी ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए हाँ वो तो ठीक है बेटी तू अपनी एसटीडी की नौकरी पे जाने को तैयार है तो चल मैं छोड़ दूँ नहीं डैडी आप एक घंटा रुक सकते हैं नहीं बेटा एक घंटा तो नहीं रुक सकता मुझे प्यारे मोहन की पार्टी में जाना है ठीक है सेठ जी अपन का बस चलता तो अपन एक मिनट में यह जमीन तुम्हारे नाम कर देता और हरी हरी गड्डियां अपने जेब में भर लेता लेकिन अपन मजबूर है डैड के एक्सपायर होने के बाद सब कुछ मम के हाथ में तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे डैडी के पास भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा सेठ जी आप मेरे मम के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे चलो सरप्राइजिंग बाबे तुम्हें पैसा भी चाहिए मम्मी भी चाहिए तुम हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो इसलिए तुम्हारी मम्मी के खिलाफ हम कोई खतरनाक कदम नहीं उठाएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच सेठ जी ओ पर प्यारे पाजी उस बस्ती दी जगह नु अपने कब्जे करने वास्ते कुछ ना कुछ तो करना पाएगा ना हमें कोई मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा सेठ जी कुछ ऐसा सॉलिड प्लान बनाना कि वो हलकट शंकर भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए माई माई तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया बिटवा वचन तुम भूल गए बचवा हमार मरते समय अच्छा वो वचन हमको याद है लेकिन माई सुमित्रा मोहसी हम जाना थे तुम पिंकी के पिता के पास जाकर अपन अधिकार मांगो अच्छा माई हम कल ही पिंकी के पिता के पास जाकर पिंकी का हाथ मांगा माई 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 भैया कहाँ हुआ कैसन बात करत हो हमारे सपने में माई आई थी और कहती थी कि हम जानत हैं भैया माई कहत होगी जल्दी से ब्याह करो और पिंकी को घर में लाओ हाँ लाजो हम कल ही पिंकी के पिता के पास जाकर पिंकी का हाथ मांगा एक दो टके का कुली एक करोड़पति बिल्डर से उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है एक नौकर अगर अपने सेठ की कुर्सी पर बैठ सकत है तो एक कुली एक करोड़पति बिल्डर की बेटी का हाथ काहे नहीं मांग सकत सेठ ये तो किस नौकर और किस मालिक की बात कर रहा है नौकर तुम थे वीरेंद्र सिंह और मालिक थे हमारे पूज्य पिता जगन्नाथ सिंह जिन्हें धोखा देकर तुमने उनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया हमारे बाबा ये सदमा सह ना सके और मर गए माता जी ने गरीबी का वो दौर देखा कि हम दाने दाने के लिए तरस गए हम और हमारी बहन लाजो आज तक स्कूल का चेहरा नहीं देखा और अनपढ़ रह गए फिर तुमने एक आखिरी वार और किया हमारी और पिंकी की बचपन की सगाई तोड़ दी और अब तुम चाहते हो कि मैं उस टूटे हुए बंधन को फिर से जोड़ दूं ये बंधन तो तुमको जोड़े का ही पड़े सेठ जानते हो क्यों
क्योंकि हम और पिंकी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। समझ गया, तुमने अपने बचपन की कहानी को ट्रंप कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया होगा और पिंकी को शीशे में उतार लिया होगा। ये कहानी बताने से पहले ही पिंकी हमसे प्यार करने लगी है। हमने पिंकी को ये कहानी नहीं सुनाई ताकि एक पिता को अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ए लड़के, मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत कर। I just can't believe this, क्योंकि मेरी बेटी के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो एक पुलिस से प्यार करने लगे। पिंकी! Yes, Dad. पिंकी, ये कुली तुम्हारा हाथ मांगने आया है। इसका दावा है कि तुम भी इससे प्यार करती हो। प्यार? और इस घटिया कुली के साथ? हाँ, मैंने इसके साथ प्यार का नाटक जरूर किया था। उस नाटक की कोई खास वजह थी? इसने कई बार मेरी बेइज्जती की, तब इससे बदला लेने की मैंने कसम खाई। शादी तो बहुत दूर की बात, मैं तो इस पे थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। होश में आ पिंकी, ये तो क्या कह रही है? Shut up! Dad, ask him to get out! तुमने सुना नहीं शंकर, मेरी बेटी ने क्या कहा? Get out! Get lost! रुक जाओ शंकर, जब पिंकी मेरी जबान से अपने बचपन की कहानी सुनेगी वो तुम पर नहीं अपने बाप पर थूकेगी। खबरदार अंजलि, जब तुमने पिंकी को कुछ भी कहा तो तुम अभी इसी वक्त अपना बैग और बैगेज लेकर फौरन देहरादून चली जाओ। गो! तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अंग्रेजी समझ में आती है ना? गेट आउट, गेट लॉस्ट। डैडी, अंजलि कहाँ गई? ओ मैनू की पता किधर चली गई है। डैडी, ओए पिंकी पुत्र, तू? ओए वो तो अपना सामान बांध के देहरादून चली गई है। बट एनी हाउ, आई मस्ट टेल यू, आई डोंट लाइक दिस गर्ल। मैं अभी बस अड्डे जाती हूँ उसे रोकने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है शंकर, तुम्हारे बचपन की पूरी कहानी सुनने के बाद और तुम्हारी सगाई की बात जानने के बाद पिंकी तुम्हारा हाथ जरूर थाम लेगी। नहीं मैम साहब, हम नहीं चाहते कि पिंकी तरस खाकर अपना प्यार हमारी झोली में डाल दे। चलिए। क्या अंजलि यहाँ आई थी? आई थी और बस में चढ़कर देहरादून भी चली गई। अरे लेकिन मेम साहब, आप कहाँ चली? मुझसे क्या काम है तुम्हें? शंकर किसी का उधार नहीं रखता, हम तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। मैंने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया। तुमने हमारा प्यार भरा दिल तोड़ा है, अब यह टूटा हुआ दिल तुम्हें श्राप देगा। 60 बरस की बुढ़ी होने तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हो? अगर शादी हो भी गई तो ऐसे बुढ़े खुसट के साथ होगी जिसके मुंह में ना दांत होंगे ना पेट में हाथ। You bloody fool! और अगर गलती से हो भी गई तो तुम बच्चों के लिए तरसोगी, और अगर बच्चे हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी सौत आ जाएगी। You बदमाश, I will kill you! अरे ये क्या? तुमने हमारी वर्दी फाड़ दी, अब ये तुमको सिलना होगा। किसी दर्जी से सिलवा लेना। अरे तुमने फाड़ा है तो सिलना भी तुमको ही होगा। चलो। आंटी। शंकर, ये किसको लाया मैन? पिंकी। भैया, तुम हमार भौजी ले आए? अरे नहीं रे, ये तोरी भाभी बनने के काबिल नहीं, ये जंगली बिल्ली की तरह पंजा मारती, ही देखा। अरे पन तुम इसको इधर काहे के वास्ते लाया? ए फ्लोरा आंटी, ये हमरे यूनिफॉर्म की चिंदिया बना दी है, तुम एक सुई धागा लेकर आओ, जब तक इसे वन पीस नहीं करेगी यहाँ से जा नहीं सकती। Shut up! You shut up! अब मैं सुई धागा लेकर आती हूँ। हाँ हाँ।
गुड चॉइस। ये लो भौजी सुई धागा। भौजी माय फुट। ये देखो, जितनी ज्यादा देर करोगी उतनी देर तक रुकना पड़ेगा, सोच लो। उतारो कमीज। अरे यहाँ नहीं, तनिक अंदर आओ। तुम तो बहुत समझदार हो भैया। और ना ही तो का। अब बेटी थोड़ा खाना खा लो। शिट, तुम जैसे चीप लोगों का चीप खाना तो मेरी जूती भी ना खाए। मैडम, जब भूख लगेगी ना तो ये चीप खाना आपको दुनिया का सबसे कीमती खाना लगेगा। चलो माँ, खाना खाते हैं। चलो। पिंकी, ये मेरी मम्मी के फोटोग्राफ्स यहाँ कैसे? हम ना ही बता सकत, शंकर भैया ने बताने से हमको मना किया है। प्लीज लाजो बताओ, तुम्हें मेरी कसम। जानना ही चाहती हो तो पहले अपने बचपन की सगाई की फोटो भी देख लो। ये देखो। माय गुडनेस, ये मेरा दूल्हा कौन है? शंकर भैया। शंकर? और ये तुम्हारे पिताजी, जो हमारे पिताजी के नौकर थे। शंकर भैया ने माँ को वचन दिया कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ तुम्हीं से करेंगे, ना ही तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी। अरे ससुर जी। ओए पैर छूंदा नाटक की करता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है कुली, यही वो कुली है जिन्हें मेरी बेटी ने किडनैप किया है, उन्हें गैर कानूनी तरीके नाल इस घर विच कैद किया है। ठहरो इंस्पेक्टर। ओए, आ गई मेरी कुड़ी, आ गई। आजा आजा आजा। शंकर ने ना तो मुझे अगवा किया है, ना ही गैर कानूनी तरीके से बंदी बना के रखा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ इंस्पेक्टर। ओए, ऐकी कह रही है तू? वीरेंद्र सिंह जी, थारी बेटी बालिग है और शंकर पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहे हैं। मैं शंकर ने अरेस्ट नहीं कर सकता, मारे को माफ कर दो। ओए, तेनू माफ करना होता तो उथे ही कर देना यार। तू भी कमाल करता है यार, बालिगे ते की होया, बेटी ते मेरी है, ओ मैं उन्हें लेके। अगर अमरी गोरकी पतर की मैडम नहीं जाना चाहती है तो कोई माइका लाल उसे यहां से नहीं ले जा सकता। ओए, मैं भी नहीं। चलो 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 चलो, चलो भाई, आप चलो यहां से। ओ हाय रब्बा, ये रख दो बस। अरे फ्लोरा आंटी, सुबह सुबह कहां जाते हो? अरे शंकर, हमारा फादर का टेलीग्राम आया है गोवा से, उसका तबीयत बहुत सीरियस है, हमको अभी जाना पड़ेगा गोवा बॉबी के साथ। लेकिन बॉबी कहाँ है? वो टैक्सी स्टैंड पर, अब उनका रास्ता देखता है ना। अच्छा फ्लोरा आंटी, आपके पिताजी को हमारा नमस्कार देना। हाँ, हाँ, और कहना कि हम भोले शंकर से दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, हम चाहते हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। हाँ अरे किसने रखा है सामान रास्ते पे? अरे कौन है बे? कौन हो तुम लोग? बॉबी, बॉबी, अरे उसको लग जाएगा। ए बुड्ढी, इस पेपर पे साइन कर। काइको, और इसमें क्या लिखा है तुम लोग? खुद ही पढ़ ले। अरे कैसे पढ़ेगा अपुन, अपुन का चश्मा तो घर पर रह गया है। अरे बॉबी, जरा पढ़कर तो देख क्या लिखा है इसमें, पढ़। मैम, ये रैंसम लेटर है हम लोग के बस्ती वालों के नाम पे। What? जब तक उन लोग 50,000 रुपए लेके नहीं आएंगे, ये गुंडे लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे मैम। You mean 50,000? Yes मैम। अपन इस पेपर में साइन नहीं करेगा। अपन आपके हाथ जोड़ता है, इसको मत मारो, इसको मत मारो, अपन साइन करता है। माम, नहीं, नहीं बेटा, साइन नहीं करना माम। माम, लेट मी साइन बेटा, लेट मी साइन। ये लो भाई।
ओ मेरी भोली वाली मॉम, तुमने अपुन के नाम पे ये पावर अटॉर्नी करके बहुत गलती की है। अभी अपुन ये बस्ती कभी भी सेल कर सकता है। अभी यू चीट मदर मैरी की कसम, अब वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। ला ए, 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 मदर मैरी को ऐसी होम ऑफ एजेंट में लेके वर्शिप करना, तुम्हें यहाँ किसी बात का प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम्हारे खर्चे पानी के लिए 5,000 रुपए जमा करके जा रहा हूँ। अभी अच्छा नहीं कह रहे बॉबी, तू मेरी हाय मत ले बॉबी तू। क्या बात है, रो क्यों रही है? लोरा आंटी भगवान को प्यारी हो गई भैया। ये कैसे हो सका? 2 दिन पहले तो अच्छी भली यहाँ से गोवा गई थी। शंकर भैया, जब अपन मम को लेकर गोवा पहुंचा तो अपन का ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गया था। मम चीख के उनके डेड बॉडी पर गिर पड़ी और उनको अटैक आ गया, तो अपन उसको हॉस्पिटल लेके गया। जब 2 मिनट के वास्ते उसको होश आया तो ये अथॉरिटी लेटर उसने अपन के नाम पर कर दिया और उसको दूसरा अटैक आया और वो गॉड को प्यारी हो गई। शंकर भैया अपन अनाथ हो गया। शंकर भैया गजब रे गजब, दाल में कुछ काला है। बॉबी इतना शरीफ नहीं है। यारे पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन गया तू, क्या लग रहा है तू, क्या बोलता है तू? You're looking good, man. Yes. ये पर्स किसका है? ये तो बॉबी का लगता है। शंकर ये देखो कोई रसीद है। काला अक्सर भैंस बराबर, अब तू ही बता ये रसीद कैसा ना है। कोई होम फॉर एजेड पीपल है, यानी बूढ़े लोगों के आराम करने की जगह। इसमें लिखा है फ्लोरा रॉड्रिक्स के नाम पे कुछ 5,000 रुपए जमा करा दिए गए हैं। अरे शंकर भैया, मैंने गोवा जाने वाले हाईवे पर इस नाम का बोर्ड देखा है। यहीं बॉबी ने फ्लोरा आंटी को इस जगह कैद तो नहीं करवा दिया? ये रही मेरी चाल। बाप का घर समझा है जो अंदर चले आए तुम लोग? ए कौन हो तुम लोग? हम हूँ डॉक्टर हड्डी तोड़ भेजा फोड़। और मैं हूँ इनका कंपाउंडर नींबू निचोड़। हड्डी तोड़ भेजा फोड़ नींबू निचोड़, ए क्या बकवास लगा रखी तुम लोगों ने? हम बकवास नहीं करता हूँ, सर्जरी करता हूँ। हमको किसी ने यहाँ से फोन किए रहे कि 3-4 इमरजेंसी केस है जिन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना है। इमरजेंसी केस? ए क्या मतलब? ए कंपाउंडर, इमरजेंसी केस नहीं समझते? मैं समझाता हूँ। अगर तुम्हारी गर्दन की या पसली की हड्डी टूट जाए तो तुम इमरजेंसी केस कराओगे ना? तुमसे फोन पर किसी ने मजाक किया होगा, हमारी तो हड्डी पसली टूटी नहीं है। नहीं टूटी है तो टूट जाए। ए डॉक्टर तू धीरे से क्या बोला? हम एक फिल्म का नाम याद कर रहे। कौन सी फिल्म? तरसूल, देखी है? हाँ हमने देखी है। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें हीरो मोटी खाल वाले गुंडों की धुलाई करते समय अपन के साथ एक एम्बुलेंस लेकर आया था। तो तुम हमारी धुलाई करने आए हो? पहली बार अकलमंद गुंडा देखा है, और तब तक धुलाई जारी रहेगी जब तक तुम लोग फ्लोरा नाम की औरत जिसे नाजायज तौर पर कैद करके रखा है हमारे हवाले नहीं करोगे। तो इमरजेंसी केस बनाने के लिए ऐसी धुलाई करेंगे कि तुम्हारी पतली टट्टी निकल जाएगी। Get it?
आपस में लड़ रहे आपस। डॉक्टर, डॉक्टर। फ्लोरॉन जी, हम तो कल लेने आए हैं। आंटी नहीं, माँ बोले बेटा, हमारे सन ने तो प्रॉपर्टी के वास्ते हमको इन गुंडा लोगों के हवाले कर दिया, और तुम पराए होकर भी हमको इधर से छुड़ाने के वास्ते आया बेटा। हाँ। चलो माँ। सुनो बस्ती वालों, अगर अपन के दिल में बेईमानी होती तो अपन सबसे छिप कर इस सेठ के साथ सौदा कर सकते थे, लेकिन अपन नीट और क्लीन रहकर फेयर डील में मानते हैं। इसके लिए अब सबके सामने अपनी यह जमीन इस असली मालिक प्यारे मोहन उर्फ डंकेश्वर को दे रहा हूं। डंकेश्वर जी इतने प्यारे इंसान हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बस्ती के हर एक किराएदार को 10-10,000 रुपए विश्व विशेष के साथ दे रहे हैं। डर्टी बंदर। पहना किसके पास? ये लीजिए, ये लीजिए। अजीब बंदर है। ठहरो बॉबी, आज तो अपन तेरे को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। तेरा माँ अभी तक अलाइव है और तू क्या प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन कर रहा था? बुरखन ने सही कहा था, औलाद ना हो तो एक दुख, औलाद होकर मर जाई तो 100 दुख, और अगर औलाद होकर नालायक निकले तो फिर तो दुखों का अंत ही नहीं। तुम काहे घूर घूर के देख रहे हो? तेरी गठरी काटी है क्या? इस सारे फसाद की जड़ ये कूली है। मैं तुम्हें देख लूंगा, चलो। वारे वाह, ससुर के नाती सारा गड़बड़ घोटाला किया, हमारा नाम खराब कर रहा है, क्यों रे लाजो? भैया तुम तो बहुत ही समझदार हो। और नहीं तो कहा। रुपबा तेरा गजब रे गजब, तन मन हमार हर से, देख के तुझको गोर की पतर की, ये पटना का बबूतर से। रूपुआ से जुए तोरा प्यार, अलमुआ के मन
सिंगार बलमुआ के मन दर से मुझे डॉक्टर विद्या के नर्सिंग होम में जाना है। अच्छा अच्छा, हाँ आइए मैं ले चलता हूँ। चलो शंकर कुली कौन है? कौन हो तुम लोग और शंकर कुली से तुम्हारा क्या काम? अब अगर तूने कोई सवाल किया ना तो ये बंदूक की गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। बता शंकर कुली कौन है, बता। कैसन जो का बता। अब बता इनमें से शंकर कुली कौन है, अथा वरना बेमौत मारा जाएगा। चाहे तुम मुझे गोली से उड़ा दो मगर मैं नहीं बताऊंगा कि शंकर भैया कौन है। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, मेरी छोटी बहन की शादी पक्की हो गई, सगाई की मिठाई लाया हूँ। अरे वाह रे वाह, इलो चाचा। दोनों तो भयंकर हथियारे हैं, जरूर हमको मारे आए हैं। अरे ये शंकर, इन दोनों को मार के 2 लाख रुपया हासिल कर ले, फिर तेरी बहनिया लाजो की शादी आसानी से हो जाएगी। आप
इम्पॉसिबल प्यारे मोहन जी, रंगनाथ और जगन्नाथ शंकर को मारने में कभी नाकाम नहीं होंगे। अरे सिर्फ नाकाम ही नहीं हुए, शंकर ने तो मृत्युलोक के लिए उनका पासपोर्ट भी निकाल दिया और पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे उनके सिर पर लगा इनाम शंकर को देने की तैयारी करना। बस बस बहुत हो गया प्यारे मोहन जी, हरे को पुलिस वाले के हथकंडे के बारे में मालूम नहीं है। ऐसी चाल चलूंगा कि शंकर भी उन दोनों के पास पहुंच जावेगो। अच्छा, तो तुमने दोनों कातिलों को जान से मार डाला? तो क्या करते भाई, अगर हम दोनों को नहीं मारते तो हमारा रामलीला समाप्त हो जाता। अरे शंकर, मदर मैरी तुम्हारा लाइफ सेव किया, गॉड ब्लेस यू। शंकर कुली, मैं थारे को दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने को आया हूँ। गिरफ्तारी की बात कर रहे हो दरोगा जी? अरे तुमने पुलिस स्टेशन और बस के अड्डे पर जो पोस्टर लगे हैं नहीं देखे? अरे वही दोनों पर जिंदा या मुर्दा एक एक लाख रुपए का इनाम है। पहले 2 लाख रुपए का इनाम तो हमको दे दो। और पहले तू दोनों लाशें तो देख ले, फिर इनाम देने न देने का फैसला हो जाएगा। यह लाशें धर्मा और कर्मा की है, जिन्होंने थारी बहन को छेड़ा था तब तूने इन्हें बहुत मारियो थो, पीटियो थो और मार डालने की धमकी भी दियो थो, दियो थो ना? अरे ये सरासर झूठ बा, ये वो दोनों आदमी नहीं है। पुलिस के पास ऐसे कई गवाह मौजूद है जिन्होंने थारे को इन दोनों का कत्ल करते देखियो है। अरे तेरे गवाह झूठ है, तू झूठ है, एक नंबर का बंडलबाज है तू। कहां छुपाई उन दोनों हथियारों की लाशें? या हमार 2 लाख रुपया हजम करने का इरादा आया? हमारे पास थारे को गिरफ्तार करने रो वारंट है। थारे को जो कुछ कहना है कोर्ट में जाकर कहना। हाँ कहूंगा, सब कुछ कहूंगा, हम किसी से डरता नहीं हूं, जब करना ही तो कहे डर। चलो चल। चल। अरे दरोगा जी, ये तो पुलिस स्टेशन नहीं, हमका कहां लाए हो? अरे हट। ये जलवे सरप्राइजिंग, आखिर तूने शेर को पिंजरे में बंद कर ही दिया सिंघानिया। तारे को मालूम है डंकेश्वर जी, इसे जगन्नाथन और रंगनाथन के सर पर रखियोड़ा 2 लाख रुपए रो इनाम चाहिए। हम तो इसे इससे बड़ा इनाम देंगे, तुमने हमारे आदमियों को हिट फिल्मों के स्टाइल में मारा है, आज हम भी तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे, चोले। देखिए तुमने? बहुत बार देखी है, कौन सा सीन दिखाओगे? जिसमें गब्बर सिंह ठाकुर को तलवार से मारता है, उसके हाथ काटता है तलवार। रुक जाइए डंकेश्वर जी, अगर आप इसका हाथ काट देंगे तो फिर बचेगा क्या? अरे जरा हम लोगों को इससे अपना कर्ज तो वसूल करने दीजिए। हमें कर्जा वसूल करने से पहले इस शंकर कूली की शक्ति छीन लेनी चाहिए। क्या इसके पास कोई खास शक्ति है? मैं बताता हूं प्यारे मोहन जी, इसकी खास शक्ति है इसका ये बिल्ला, इसका नंबर है 786। Ah!
और मार। मारो और मारो, मगर हमको जिंदा मत छोड़ना। अगर हम बच गए ना तो तुम सबको दुनिया के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। जिंदा बचेगा तब ना। अम्मा रुको रुको रुको, एक खुशखबरी सुनो। अभी अभी मुझे बॉबी ने बताया कि वकील साहब ने मुकदमा दायर किया है उन बस्ती वालों पर जिसका ये शंकर अपने आप को खुद अन्नदाता समझता है। 15 दिन के अंदर अंदर बस्ती वालों ने 20 साल का 10 लाख रुपए भाड़ा कोर्ट में जमा नहीं किया तो इन्हें बस्ती खाली करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये भूखे नंगे लोगों के बस की बात नहीं है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। शंकर खुद अपनी आंखों से देखेगा कि बस्ती हमारे कब्जे में आ गई है, तब जाके इसकी जिंदगी का चिराग बुझा देंगे। भारत नगर झोपड़पट्टी वासियों को कोर्ट की तरफ से आगाह किया जाता है कि वो इस जमीन का पिछले 20 सालों का किराया जो 10 लाख रुपए होता है, आज से 15 दिनों के अंदर सरकारी खजाने में जमा करा दें, वरना आखिरी तारीख निकल जाने के बाद सरकारी अहलकारों की मदद से ये जमीन बस्ती वालों से खाली करवा ली जाएगी। बहुकम सरकार, साइन करवा लीजिए। चलो। जी सर। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैं इस बस्ती में रहने वाले सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सारी पूंजी इस नए काम में लगाएं, ताकि उन्हें इस बस्ती से बेदखल ना किया जा सके। फ्लोरा आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ तो भाई लोगों, कल से रकम जमा करने का काम शुरू कर दिया जाए। फ्लोरा आंटी, ये मेरी तरफ से। बाबा, तुम्हारा रिंग किधर है? जी वो God bless you my son। आइए फ्लोरा आंटी, हम सब लोगों ने 50,000 रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा किए थे, लेकिन अब इस नेक काम को पूरा करने के लिए हम भी अपना हिस्सा देना चाहते हैं। थैंक यू माय सन, थैंक यू एवरीबॉडी। स्वीट, कम हियर किड्स, कम कम हियर। देखो भाइयों, मदर मैरी की मेहरबानी से और तुम सब लोगों के कॉपरेशन से पूरे 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं, और ये पैसे हम सरकारी खजाने में जमा कर देंगे ताकि अपन लोगों को कोई इस बस्ती से निकाल नहीं सके, है ना? हाँ। शंकर को तो पुलिस ले गई, अब इतनी बड़ी रकम जमा कराना सिद्धू तुम्हारा काम है। हाँ बेटा, तुम जाओ। गॉड ब्लेस यू, गो। चलता हूँ। हाँ, संभाल के जाना बेटा। इस भीड़ को तो पता ही नहीं इसका क्या हाल होने वाला है। लो प्यारे मोहन जी। वेल डन बालू तगड़ा। अब बस्ती के लोगों से जमीन खाली करवाना बहुत आसान हो जाएगा। जी, इसके बदले में कुछ इनाम मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं बालू, अब तो मेरे 5-स्टार होटल के प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे। अरे क्या बात है सेठ जी, क्या बात है। Oh,
डाल चादर जल्दी, आजा जल्दी 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 करो जल्दी। चलो जॉन, मदर मैरी हमसे रूठ गया है जॉन, रूठ गया है। हमारा जिंदगी भर का कमाई पूरे 10 लाख रुपए जिसकी मदद से हम इस बस्ती को बचा सकता था, अरे दुश्मनों का गुंडा लोगों ने वो हमसे छीन लिया है जॉन, छीन लिया है। अभी हम एकदम हेल्पलेस हो गया है, एकदम हेल्पलेस हो गया है जॉन। अगर ऐसे वक्त में हमारा शंकर होता ना तो वो हमको जरूर मदद करता, जरूर मदद करता। अरे हनीफ, तुम शंकर को पुलिस स्टेशन में मिलकर आया ना? नहीं आंटी, शंकर भैया पुलिस स्टेशन में नहीं है। ओह गॉड, खुदा ना करे दुश्मनों ने उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। ऐसा मत बोलो हनीफ, ऐसा मत बोलो तुम। शंकर, ओ भाई जगह जा, भाई जा, नाग देवता नु लिया। छड़ नु छड़, जा भाई जा, शंकर कुली नु अपना विश देके आ जा। शंकर भैया, भाई वाह, प्यारे मोहन जी, आज बहुत तलाश करने के बाद भी कोई जरूरतमंद लड़की नहीं मिली, इसीलिए मेरे आदमी इस लड़की को जबरदस्ती उठा लाए। दोबारा ऐसा मत करना, जाओ इस लड़की को मेरे बेडरूम में पहुंचा दो। कलिया का फूल? पता नहीं प्यारे मोहन जी, मैंने तो सूरत भी नहीं देखी, आप जाके देख लो। ये तो नीलम की आवाज लगती है, ये कैसे हो सकता है? प्यारे मोहन, आ जा रहे हो रूपचंद? अरे आ जाए, अरे भाग। प्यारे मोहन, प्यारे मोहन, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? अरे मेरी बेटी की आवाज है। बेटी? पापा। नीलम बेटी? पापा, इस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूट ली पापा। वाह प्यारे मोहन जी वाह, परसों की वफा का खूब सिला दिया आपने। अरे डायन भी साथ घर छोड़ती है, आपने तो मेरा ही घर लूट लिया। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले कम से कम अपनी बेटी को ये तो बता कि तू तो खुद से यहाँ लेकर आया है। देख रूपचंद, जो भी हुआ उस बात का मुझे अफसोस है। मैं तो सिर्फ अब इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी की इज्जत की कीमत तुम्हें दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? ये 10 लाख रुपए उन बस्ती वालों की अमानत है, ये मैं उन्हें वापस देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लगता है तू मजाक कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चंगा शेरा पकड़ो उसे। Ha 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 ha
अरे अरे शंकर भैया, और ये जख्म हनी भाई लगता है इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है। हाँ, जरूर जरूर ये हरकत दुश्मनों की है। हनी भाई हमें फौरन इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं, अब तो बस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही इन्हें मौत के शिकंजे से बचा सकता है। मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए करम हो मुझे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूं तो भीख मिल हमारे
मोहन ने बस्ती वालों का 10 लाख रुपए लूट लिया था। मैं ये पैसा वापस करके पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। बॉस, बॉस, अबे अंधा हो गया तू, दिखता नहीं तुम्हें? अरे बॉस, जो खबर मैं लेकर आया हूँ, अरे उसको सुनकर आप अंधे के साथ साथ गूंगे और बहरे भी हो जाएंगे। सरप्राइजिंग, जल्दी से उगल, बात क्या है, बोल। बॉस, रूपचंद को तो मैंने खलास कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसने 10 लाख के नोटों का बैग शंकर के हवाले कर दिया। इसका मतलब शंकर अभी तक जिंदा है? अरे पागल, शंकर को क्यों नहीं मारा तूने? अरे बॉस, मैं क्या करता, ऐन मौके पर मेरी रिवॉल्वर मुझे धोखा दे गई, वरना उस शंकर के बच्चे को तो मैं खलास कर देता। Bye.
भालू रगड़ा भालू तगड़ा। बॉबी लौट आइए, दो एक बॉबी प्लीज। बॉबी लुक आ यू आर नॉट शराब। बॉबी आ क्या कर रही है? बॉबी प्लीज मां प्लीज बॉबी कोई बीच में नहीं आएगा समझा, वरना रगड़ के रख दूंगा। चल अगर तुम चारों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बताओ शंकर कहाँ है। क्यों अपनी मौत का पता पूछ रहा है प्यारे मोहन? कल जाना, अगर पता भी होता ना तो भी नहीं बताते। शंकर का पता ना बताकर तुम चारों ने अपनी मौत का इंतजाम खुद कर लिया है। कालो रगड़ा और बालू तगड़ा, अपनी बंदूक की गोलियों से इन चारों को इस तरह से भून डालो जिस तरह से भट्टी में मकई के दाने भुने जाते हैं। भगवान भी अटकाता है तो छप्पर फाड़ के अटकाता है। हेलो ओ माता मेरी, शंकर शंकर भैया। लंकेश्वर अगर 10 लाख रुपये से भरा ये बैग चाहिए तो पहले इन चार मासूमों को छोड़ दो। शंकर जानते हो दो दुश्मनों में अगर जंग होती है तो शर्तें कौन रखता है? शर्तें वही रखता है जो ज्यादा ताकतवर होता है, और तुम तो देख ही रहे हो इस वक्त ज्यादा ताकतवर कौन है। शंकर अब तू भी निहत्ता है और ये तेरे चार लोग भी निहत्ते हैं, और ऊपर से 10 लाख रुपए मेरे पास है। अब मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ दूं। कालू रगड़ा और बालू तगड़ा अब चारों के बजाय पांचों को गोलियों से छन्नी कर दो। खबरदार डंकेश्वर गोली मत चलाना, पहले बैग खोल कर तो देख लो। इतना बड़ा धोखा, पूछता हूं कहां वो 10 लाख रुपए? अरे वाह रे वाह, हम सिर्फ एक बार तोरे साथ धोखा किया तो के मिर्ची लग गई है, और तू जो कदम कदम पर हमारे साथ धोखा करता रहा वो किस खाते में डालूं? जिस तरह पागल कुत्ते ने तुमको नहीं काटा उसी तरह हमको भी नहीं काटा कि 10 लाख रुपया तो के हवाले कर दें। वो 10 लाख रुपया हमने कोर्ट में जमा करने के लिए भिजवा दिया है, जैसे ही रुपया जमा हो जाएगा तेरा खेल भी खत्म हो जाएगा। खेल खत्म नहीं हुआ शंकर, खेल तो अब शुरू हुआ है। जिस जमीन पर मेरा 5-स्टार होटल नहीं बन सका उस जमीन पर मैं शमशान घाट बनाऊंगा, और उससे पहले मैं तुम सब लोगों की अर्थी उठाऊंगा। Oh!
शंकर रुक जा। कौन? उनकी मम को हाथ लगा तूने खुद से एक हाथ ओ वीरेंद्र सिंह तू इन कमीने नाल काम कर रहे हैं ऐ ऐ तेरे पुत्र नु मारे ने ओ ओ पिंकी पुत्र घबरा नहीं मैं आ रहे हैं Yeah.
शंकर कुली तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।